जी की 3 और 4 साइज के कान्हा जी की निकर और शर्ट की कटिंग बताने जा रही हूँ, जिसकी लेंथ 7 इंच, ब्रिथ 3 इंच, लंबाई 7 इंच और चौड़ाई 3 इंच। अब हमने इसको फोल्ड कर लेना है। हम इसको फिर से फोल्ड कर लें। इसकी चातें होगी 1, 2, 3, 4, उधर से भी हमने इसको कटिंग करनी है। अब हमने इसको ऐसे निशान लगाना है लेग्स का, कितना, 1.5 इंच, 1.5 इंच पर हमने इसकी कटिंग का निशान लगाना है। हमने इसको ऐसे हमने इसको कट करना है। देखो खोल के बिल्कुल निक्कर जैसी शेप आ गई। अब हमने वहाँ से भी हमने कटिंग करनी है। ओके, देखो ये 2 पीस हो गए। हमने ऊपर से भी इसको फोल्ड कर लेना है जहाँ हमने इलास्टिक डालना है। इधर से भी हमने इसको फोल्ड कर लेना है, इधर से भी हमने इसको फोल्ड कर लेना है, इधर से भी। इसकी जो मैं स्टिचिंग है वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अब हमने आपको निक्कर काटनी बता दी है कान्हा जी की 3 और 4 साइज की। अब हम इसकी शर्ट काटने जा रहे हैं। शर्ट की लेंथ भी 7 इंच और ब्रेथ 4 इंच, लंबाई 7 इंच, चौड़ाई 4 इंच। अब हमने इसको भी फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद अब हमने इसकी लंबाई के साइड से इसको डबल कर लेना है। इसकी चातें होगी चौड़ाई की तरफ से 1, 2, 3, 4। सबसे पहले अब हमने इसके बाजू का निशान लगाना है। देखो 1/2 इंच, 1/2 इंच ले लो, 1/2 इंच से 1 इंच, 1/2 इंच से 1 इंच ऐसे गुलाई का निशान डालना है। ओके, अब हम इसको काटने जा रहे हैं। चलो, अब हमने इसकी हल्की सी तिरछी काट डालनी है, ऐसे निशान लगाना है हल्का सा, बिल्कुल इसकी शेप अच्छी आ जाएगी। शर्ट की जो शेप होती है वो अच्छी लगेगी कान्हा जी पर। अब हमने इसको फोल्ड वाला जो हिस्सा है उसको खोल देना है। इसका जो बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा है, जैसे ये 3 है, 3 का 1/2 कितना होता है, 1.5, 1.5, ऊपर कितना है, ऊपर 2.5, 2.5 का ऐसे आप हाफ वाला निशान लगा लो। ऐसे फोल्ड करके इसके हाफ वाला निशान लगा लो, जो इसका हाफ होता है, हाफ करके अब इसको सीधा कर लो। हमने सिर्फ इसका ऊपरला पीस कट करना है, निचला नहीं छेड़ना, इसका सिर्फ ऊपरला पीस जो फ्रंट होती है उसकी ये काटनी है। देखो ये कान्हा जी की पिछली शर्ट का पीस हो गया और ये कान्हा जी की ऊपरली शर्ट का। हमने इसको अलग अलग नहीं किया, हमने वन पीस में कान्हा जी की ड्रेस बनानी है। अब हमने इसके मोड़े मोड़े फोल्ड कर देनी है दोनों साइड के, और जहाँ स्टिच कर देना है जहाँ हमने कोई हल्की सी लैस लगा देनी है। ये हमारा निक्कर का पीस है। अब मैं इसकी आपको स्टिचिंग बताती हूँ। इस साइड चारों तरफ ये निकर फोल्ड करनी है। सबसे पहले ऐसे करके ऐसे इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है, ऐसे फोल्ड करके ऐसे इसके अब मैं इसके साथ दूसरी साइड लगा रही हूँ। अब हम निकर की दूसरी साइड की स्टिचिंग कर रहे हैं। चलो अब हम निकर का दूसरे पीस की दूसरी साइड फोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों साइड। चलो अब हमने निकर के जो दोनों साइड है जो फोल्ड कर लेनी है। अब सीधे को ऊपर सीधा पीस रख के सीधे इधर भी पुट्ठा आ गया, इधर भी पुट्ठा आ गया, इसकी एक साइड पर सिलाई लगा लेनी है। एक साइड पर सिलाई लगानी है, दोनों तरफ नहीं लगानी,
हाँ देखो अब हमने निकर ऐसे ज्वाइंट कर ली, ठीक है। अब हम इसका जो ऊपरला हिस्सा है जहाँ लास्टिक डालने के लिए, इसे फोल्ड कर लेती हैं हमने जहाँ लास्टिक घुमानी है। अब हमने इसको फोल्ड कर लिया, फोल्ड करके इसके बीच में लास्टिक डालने के लिए हमने जगह छोड़नी है, ठीक है। इसको फोल्ड कर लो अब स्टिचिंग से, वो मैं आपको करके बता रही हूँ कैसे। देखो अब हमने लास्टिक डालना है, लास्टिक बिल्कुल ऐसा ब्रीक होना चाहिए। अगर आपके पास कोई बात नहीं, ब्रीक लास्टिक आपको ना भी मिले, फिर आप ऐसा चौड़ा लास्टिक लो, उसकी कटिंग कर लो बिल्कुल किनारे से, ठीक है। देखो लास्टिक कितना होना चाहिए, जैसे जो हमारी पूरी निकर है उससे आधा होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक सिलाई जहाँ रख के इधर सिलाई लगा लेनी है, फिर इसको खींच के एक सिलाई इधर लगा लेनी है, इसको बाद में फोल्ड कर देना है। मैंने सिर्फ साइडों पे सिलाई लगाई है, बीच में बिल्कुल खाली छोड़ी है, ठीक है। अब इसको ऐसे सिलाई रख के इसके ऊपर, बस लास्ट के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए हमारी। अब मैं स्टिच करने जा रही हूँ, लास्ट के ऊपर सिलाई बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हमारा लास्ट का जो खींचा नहीं जाएगा। लास्ट को एक साइड पे रख के सिलाई लगानी है, लास्टों को खींचना है और सिलाई लगाते जाना है। ये देखो हमने इसमें लास्टिक डाल ली है, ठीक है। ऐसा अब इसको पूठा करेंगे, पूठा करने के बाद इसके एक जहां सिलाई लगाएंगे, एक जहां सिलाई लगाएंगे और हमारी निकर रेडी हो जाएगी। एक जो पीस थोड़ा सा छोटे होते हैं ना, छोटे पीसों पर ना जो सिलाई करनी थोड़ी सी दिक्कत होती है। देखो अब कान्हा जी की निकल रेडी है, जे तीन और चार नंबर के कान्हा जी की निकल है, ठीक है। अब मैं बाजू पर गोटा लगाने जा रही हूँ। अब हमने दोनों बाजू पर लैस लगा ली है, ऐसे ही हमने जो ये फ्रंट वाला हिस्सा है इस पे भी ऐसे ही लैस लगा लेनी है। ये देखो अब दोनों बाजू पर भी होगी और नीचे फ्रंट पर भी ऐसे होगी। अब इसको जो इसकी बैक है इसको थोड़ा सा फोल्ड कर देना है, इस पे सिलाई लगा देनी है हल्की सी ब्रीक करके ऐसे इसके बैक पर। अब इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है इसकी बैक और फ्रंट, इसको जहां और इसको जहां रख के इसके बाजू जितनी उतनी रख के साइड पे सिलाई लगा देनी है, स्टिच कर देना साइड पे, सिर्फ जितनी आपके कान्हा जी की बाजू आएगी उतनी रख लेना आप अपने हिसाब से और बाकी पे स्टिच कर देना। दोनों साइड ही ऐसे करना है। देखो हमने जितनी बाजू रखनी थी उतनी बाजू रख के जहाँ दोनों साइड पे स्टिच कर दी है, ठीक है। अब हम आपको देखो ये कान्हा जी की बाजू होगी,
ठीक है। इसको जहां से चाहे आप एक टिच बटन लगा लो, कान्हा जी की जो ड्रेस है वो रेडी है, नाइट सूट। जो जो अगला हिस्सा रह गया इसको भी हल्का हल्का फोल्ड कर लो, इसकी भी स्टिचिंग कर देनी है ऐसे करके ऐसे, ठीक है। और कान्हा जी की ड्रेस है जो रेडी है। ये हमारे कान्हा जी की अब ड्रेस तैयार है। ये देखो मैंने इसमें डोरी लगा दी है, इसको हम बांध देंगे, ठीक है। ड्रेस रेडी है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल है उसका भी बटन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके।